अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बीनोज़ किचन। बीनोज़ किचन में आपका वेलकम है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज कैसे मैं आपको सिखाऊंगी एगलेस केक। केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पॉट को, जो कि ओवल सर्कल साइज़ की शेप में है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था बटर पेपर के साथ। बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस करने के बाद उसको मैंने यूँ इसके साथ इसकी बेस में स्टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून जो है घी के ऐड करूँगी। ये आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं 1 चम्मच जो है ऑयल का ऐड करूँगी। इसके बाद मैं एक बॉल जो है शुगर का यूज़ कर रही हूँ। बैटर को ऐड करने के बाद इसको मैं हैंड से बीट कर रही हूँ। आपने घी, ऑयल और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें मैं 1 कप मिल्क डाल रही हूँ। इसको आपने ग्रेजुअली स्लोली स्लोली ऐड करना है। मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स करेंगे अंटिल अंदर से आपका मिक्सर मज़ीद 1 सिप ऑफ मिल्क जो है वार्म है, ये नीम गर्म दूध है, इसको मैं 5 सेकेंड्स के लिए बॉयल किया था, उसको अगेन ऐड कर रही हूँ। मिक्सचर मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा मैदा जो है वो ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप मैदा यूज़ किया है मैंने। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं अगेन 1 सिप ऑफ मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं अगेन मैदा ऐड करूँगी। 3/4 क्वान्टिटी ऐड किया है इसको मैंने। ऐड करने के बाद मैं अगेन ग्रेजुअली इसको मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूँगी अंटिल अल्दस के लम्स फ्री हो जाए। इसके बाद मैं इसमें जो मैदा रह गया था इसमें 3/4 क्वांटिटी जो है 4th पार्ट वो है। इसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट 4th क्वार्टर सिप ऑफ मिल्क रह गया था वो इसमें मैं ऐड करूँगी। उसके बाद आप मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथ बैटर को ऐसे मिक्स करने के बाद इसमें मैं यहाँ पे रोज़ मोर का बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन था तो इस वजह से इसको मैं 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप अगर न्यू है तो आप इसका 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। पूरे बैटर को आप अच्छे से मिक्स करेंगे अंटिल अनलेस के इसमें सब। यहाँ पर जो मैंने पैन को ग्रीस करके रख दिया था ऑयल ये बटर के साथ, उसमें जो मैंने बैटर को स्मूथली मिक्स किया है वो मैं ऐड कर रही हूँ। मिक्सचर को यहाँ पे इसमें ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़े से वॉलनट्स ऐड किए। अवन को यहाँ पे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, इसमें अब मैं पैन को ऐड करूँगी। केक को आप लो मीडियम फ्लेम पर एटलीस्ट 40 मिनट्स तक पकाएंगे और आप ये हर 5 मिनट के बाद अपने ओवन को चेक करेंगे। 45 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया है और ये देखें, मज़ेदार एगलेस आलमंड केक रेडी है।